अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू डेली क्रिकेट इन्फो। आखिरकार पीसीबी ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम के नए बॉलिंग कोच का ऐलान कर ही दिया। आखिरकार पाकिस्तान क्रिकेट टीम को ऐसा कौन सा बॉलिंग कोच मिल गया जो कि अपने दौर के बल्लेबाजों के पसीने छुड़वा देता था? कौन सा है वो खतरनाक गेंदबाज जो कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बॉलिंग कोच करने जा रहा है? क्या मोहम्मद आसिफ हैं, शुएब अख्तर हैं, या वसीम अकरम, या उमर गुल? आज की छोटी सी वीडियो में मुकम्मल आपको डिटेल बताने जा रहे हैं। वीडियो की तरफ आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह से नए व्यूअर से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ-साथ बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम अपनी शानदार गेंदबाजी की वजह से पूरी दुनिया में जानी जाती है। शाहिन अफरीदी के इंजर्ड होने की वजह से पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप जो थी वो कमजोर हो रही थी, जिसकी वजह से पीसीबी ने यह सोचा कि एक ऐसा बॉलिंग कोच पाकिस्तान क्रिकेट टीम में लाया जाए जो कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बॉलिंग को मजीद मजबूत कर दे। ज़राए के मुताबिक जो अब तक की खबरें आ रही हैं, पीसीबी जो है शुएब अख्तर को पाकिस्तान क्रिकेट टीम का बॉलिंग कोच बनाने जा रही है। बॉलिंग कोच की लाइनअप के अंदर मोहम्मद आसिफ और उमर गुल भी पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप में शामिल हो सकते थे, लेकिन शुएब अख्तर जो है पाकिस्तान की बॉलिंग कोचिंग में लाइन नंबर वन पर रहे और बॉलिंग कोच करने जा रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम की। शुएब अख्तर को पीसीबी जो है पाकिस्तान क्रिकेट टीम का नया बॉलिंग कोच बनाने जा रही है। इसके बारे में अभी तक कोई भी ऑफिशियली अनाउंसमेंट पीसीबी की जानिब से नहीं की गई, लेकिन जैसे ही इसके बारे में कोई भी अपडेट सामने आती है तो हम आपको ज़रूर अपडेट करेंगे। खुश रहें, मुस्कुराते रहें। अल्लाह हाफिज़।